आईआईटी कॉलेज नया रायपुर में कलेक्टर दर एवं पीएफएसआईसी से संबंधित अनियमितता के संबंध में कॉलेज के कर्मचारियों ने राजधानी के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता ली। उनका कहना है कि वर्ष 2016 से वर्तमान 2022 तक की समय अवधि में सभी कर्मचारियों का कलेक्टर दर का निर्धारित वेतन प्रदान नहीं किया गया, साथ ही साथ पीएफ एवं ईएसआईसी का भी जमा नहीं कराया गया, जिससे कि ठेका कंपनी ने मजदूरों के हक का 3 से 5 करोड़ रुपए के आसपास का गबन ठेका कंपनी द्वारा किया गया। विषय यह है कि हम विगत 5 वर्ष से TNR में आउटसोर्सिंग कंपनी से काम कर रहे हैं, वहाँ हमला कलेक्टर से पैसा नहीं देते, ओकर आवाज उठावन तो हमारा ट्रांसफर के बहाना में दूसरा जगह भेजे किसी और भेजे वहाँ हमारा न ज्वाइनिंग करवाए ना का ही करवाए से हम लोग वहाँ से रिटर्न ला दिए। ओकर बाद बोली से कि हम हमला नहीं रख सकते, अब हम आवाज़ उठा तो हम दो आदमी योगेश यादव और मोला राजा वो आते ना दोनों काम से निकाल दिए और कलेक्टर वो वहाँ से लेबर कमिश्नर से हम कॉलेज से कि आप मन केस वापस लो तो कहीं काम देवा दो और पैसा कोई बात नहीं कहीं से ये दबाव बनाते से। और यहाँ जो सरकारी कर्मचारी है जैसे कि डायरेक्टर है बहुत झगड़ा भी जिसका नाम लेना उचित नहीं है, वो मन सभी मतलब बचाए कोशिश करते मतलब कॉन्ट्रैक्ट ला खत्म करे कोशिश करा थे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसा दे मत लगे। यहाँ बड़े अधिकारी मन भी ओकर से मिले हैं। नाम बता दो आप। नाम है जिसकी रजिस्ट्रार है आपके आपके नाम मोर नाम राजा बोला थे मैं वहाँ ऑफिस में काम करते हैं कलेक्टर है और सोर्सिंग कंपनी है। का कारण थे कि निकाली साहब मोला प्रमोशन 5% वृद्धि करा था कि हमने यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर फेंका था हमारे घर से 5% वृद्धि कलेक्टर दर से भी पैसे नहीं थे वहाँ ओकर में 5% वृद्धि देखे मोर निकाला था। वर्तमान में जैसे IIIT कॉलेज में दो का कंपनी राइट विजिलेंस और स्पाइडर मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर कुलदीप शुक्ला ये कंपनी के द्वारा 2016 से लेके वर्तमान समय तक ठेका के माध्यम से कर्मचारी मन के नियुक्ति वेतन के भुगतान PA PSIC में जो योगदान जो पैसा जमा करना ये सब काम बूता करे जाते और सर्विस दिए जाते। ये कंपनी के द्वारा 2016 से 2022 तक में बिलिंग प्रॉपर करे जाके प्रशासन से पैसा ले के बाद कर्मचारी मन के जो कलेक्टर दर से जो वेतन जाना चाहिए वो वेतन नहीं दिए जाते और जो वेतन दिए जाते वो कम है और जो दर से PF में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए नियोक्ता के जो कंट्रीब्यूशन होते वो नहीं करे जाते। ये तरीका से टोटल धांधली हो है और जे आवाज़ उठाते ओला या तो प्रमोशन के नाम से दूर ट्रांसफ़र कर दिए जाते जहाँ वो कभी नौकरी करे पर जा नहीं सके 25-30 किलोमीटर दूर 5% वृद्धि करके और चूँकि मामला ऐसे है कि 5-6 साल से आवाज़ नहीं उठा पा रही से का पर मतलब खुद जानकारी नहीं रही से कि कलेक्टर दर होते का कलेक्टर दर में कतका वेतन मिलना चाहिए का विसंगति हो सकते एक मतलब जानकारी नहीं मिले रही से एक मन के जानकारी के कमी के कारण ही एक मन के शोषण करे गए हैं और इस शोषण में बहुत जन अधिकारी कर्मचारी के भी मिली भगत हो सकते हैं। परिवार से और मोर लड़की की हादसा हो गए तो मतलब कागज दे रही से तो वही कागज आधार से में ले गए तो कागज छा नहीं चले इसे करके बोली से तो महू बहुत अकन खर्चा में फंस गए हूँ हमें बोले गए हाँ तब का करते चल ही करके मोड़ धोखाधड़ी से है कर दी हमें यहाँ ले गए और ले गए बाद में मोड़ 1.5 लाख के खर्चा हो गए हमें अभी तक वो कर्जा नहीं छूटा था। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।